या समझो, जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है। इस ब्लॉक का अगर एक्विटी बनाए तो इस पर नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा? अभी नहीं लगेगा, अभी फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि इसका स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं है। अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा तब भी ऐसे ही रखा रहेगा, फ्रिक्शन वाला सरफेस है तब भी ऐसे ही रखा रहेगा, मतलब ये फ्रिक्शन वाला सरफेस, इस पर फ्रिक्शन अभी नहीं लगा क्योंकि इसका स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं है। अगर इसका स्लिपिंग टेंडेंसी होगा तभी फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, तो अभी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो सरफेस है इसका इंक्लिनेशन बढ़ा रहे, इंक्लिनेशन बढ़ा रहे, तो धीरे धीरे इसका इंक्लिनेशन जब बढ़ाएंगे, सपोज यहां तक ले आए, लेट दिस एंगल इज अल्फा, ये ब्लॉक ऐसे हो जाएगा, ये ब्लॉक अभी भी स्लिप नहीं किया है, अभी भी ये स्थिर है। अगर ये स्लिप नहीं किया है तो इस पर कौन कौन सा फोर्स, अभी एक्विटी बनाए तो कॉग्निशन नॉर्मल ऐसे, देखो नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज कर गया, नॉर्मल का हो सकता है मैग्नीट्यूड भी चेंज कर जाए, हम अब एन वन मान लिए, इसका mg किधर लगेगा, नीचे, और इस पर अब फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि इस mg का इधर कंपोनेंट है कितना, mg साइन थीटा। अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होता, फ्रिक्शनलेस, तो ये बॉडी किधर स्लिप करता, डाउन द प्लेन स्लिप कर जाता ना, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है तो उसको स्लिप करने नहीं देगा, स्लिप करने नहीं देगा तो ये सरफेस, इस पर फ्रिक्शन किधर लगाना चाहिए, अप द प्लेन, नहीं स्लिपिंग के अपोजिट ना फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन स्लिपिंग को अपोज करता है, तो इस पर फ्रिक्शन, ये जो सरफेस है इंक्लाइन सरफेस, ये इंक्लाइन सरफेस को ऐसे कर दिए तो ये फ्रिक्शन अभी इस पर ऐसे लगाएगा। ये फ्रिक्शन को F लिखे कि F मैक्स लिखे, कहो F लिखेंगे, कहो अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन स्टैटिक ना होगा, तो स्टैटिक एफ मैक्स थोड़े होता है, स्टैटिक तो जीरो से एफ मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो ये फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे, एफ, ये कौन लगाएगा, सरफेस, ये ब्लॉक इस सरफेस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा, कहो डाउन द प्लेन, ये ब्लॉक इस सरफेस पर नॉर्मल किधर लगाएगा, कहो इधर, लेकिन हम सरफेस का एफिट नहीं बना रहे, अभी ब्लॉक का बना रहे, ये ब्लॉक का एफिडी दिखा रहे, इसका इंक्लिनेशन और बढ़ाइए, जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ाओगे एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पर, लेट दिस एंगल इज थीटा, जब ये ब्लॉक रखेंगे इस पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पर तो इसका स्लिपिंग शुरू हो जाएगा, इसका स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जब यहां पर ये अभी शुरू किया नहीं है, अभी करने वाला है, मतलब एक्सेलरेशन अभी भी जीरो ही है, थोड़ा सा इससे बढ़ाएंगे तब एक्सेलरेट कर जाएगा, तो अभी इसको हम लोग कहेंगे ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, क्या कहेंगे, तो इस पर जो फोर्सेज अभी लगेगा ये होगा नॉर्मल एन टू मान लेते हैं, इसका वेट एम जी नीचे, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर, ये चूंकि ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, मतलब अब फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो यहां पर मैक्स लिखेंगे, जब स्लिपिंग नहीं हो रहा है तब एफ लिखेंगे, जब ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है या स्लिपिंग शुरू हो गया, दोनों केस में एफ मैक्स लिखेंगे, ठीक है। ये जो सरफेस है, इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशियंट सपोज म्यू है, ये जो म्यू है ये इसका म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर है, इसे म्यू लिखा है। अगर किसी सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू लिखा है का मतलब उसका म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर, अलग रहेगा तो अलग अलग दिया जाएगा,
तो ये बॉडी अभी स्लिप नहीं किया है, अभी इसका एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन क्या है, जीरो, अभी भी ये रुका ही हुआ है। लेकिन जैसे ही थीटा थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे, इन्फिनिट डेसिमल स्मॉल, तो ये स्लिप कर जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। तो इस वाले एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कर रहे हैं। अब इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये बॉडी रुका हुआ है तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन में बैलेंस रहेगा, इधर के तरफ फोर्स इक्वल टू इधर के तरफ फोर्स, ये जो mg है उसका इधर कंपोनेंट है mg साइन थीटा, और mg का इधर कंपोनेंट कितना है mg कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर अगर फोर्स को बैलेंस करें तो n2 कितने के बराबर। अच्छा फोर्स क्यों बैलेंस रहेगा, क्योंकि इधर रेस्ट में क्यों है, इधर एक्सेलरेशन मान लो, क्या दिक्कत है। ये बात सुनना चाह रहे, कॉमन नॉर्मल में रिलेटिव मोशन नहीं होता, ये सरफेस जो है रुका हुआ है तो ये भी इधर के तरफ मूव नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल अभी पॉजिटिव है, कॉमन नॉर्मल में रिलेटिव मोशन नहीं होता। तो n2 का वैल्यू हो गया mg sin थीटा, और चूंकि cos थीटा, चूंकि ये स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक है, तो स्टैटिक है मतलब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर हो गए, f max कितने के बराबर, और f max कितना होता है mu into n। और n कितना होता है, अभी n2 है, तो ये है mg cos थीटा। हमेशा n का वैल्यू mg नहीं, जब यहां पर है तो n mg के बराबर है, जब हॉरिजॉन्टल ये प्लेन है तो n mg बराबर है, इस समय n mg के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसका नाम जो है वो चेंज कर दें, क्योंकि यहां n mg है, यहां n mg cos अल्फा है, यहां n mg sin cos थीटा है, mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। mg कैंसिल हो गया, न्यू कितने के बराबर, तो थीटा कितना हो गया टैन इनवर्स म्यू, और थीटा सी लास्ट में कितना आया था टैन इनवर्स म्यू, दोनों से हुआ कि नहीं, तो जितना कॉन्टेक्ट एंगल होगा उतना ही एंगल ऑफ रिपोज भी होगा। क्वेश्चन ये है कि इसका एंगल आप जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज से जब कम है एंगल, जैसे अल्फा क्या है थीटा से कम है, तो एंगल ऑफ रिपोज से जब कम है तब इस पर कितना कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है, और एंगल ऑफ रिपोज से जब ज्यादा है तब इस पर जो कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है वो दोनों सेम है कि दोनों अलग है, ये बता रहे। जैसे जैसे इसका इंक्लिनेशन बढ़ेगा, जब तक इसका इंक्लिनेशन यहां से एंगल ऑफ रिपोज तक होगा तब तक ये जो सरफेस इस पर फोर्स लगाएगा, जिसको कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं, लॉग का सरफेस से कॉन्टेक्ट है तो कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा ना जी, कॉन्टेक्ट फोर्स का वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगा, क्या रहेगा कॉन्स्टेंट। लेकिन एंगल ऑफ रिपोज के बाद जब एंगल बढ़ाएंगे तो कॉन्टेक्ट फोर्स घटेगा, और जब एंगल 90 डिग्री कर देंगे तो कॉन्टेक्ट फोर्स जीरो हो जाएगा। जब ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो कॉन्टेक्ट फोर्स कितना है cos mg के बराबर, नॉर्मल कितना है mg के बराबर, कॉन्टेक्ट फोर्स कितना है mg। जब ये एंगल अल्फा पर है थीटा से कम तो कॉन्टेक्ट फोर्स mg होगा, यहां से लेकर के यहां तक कॉन्टेक्ट फोर्स कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन उसके बाद कॉन्टेक्ट फोर्स घटेगा, ये नोट करके लिखो। When angle increases from zero to angle of repose, contact force will be constant. Equal to mg upward,
इक्वल टू एम जी डायरेक्शन अपवर्ड फुल स्टॉप. आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज, आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज एज एंगल इंक्रीजेज एज एंगल इंक्रीजेज कॉन्टेक्ट फोर्स विल डिक्रीज. कॉन्टेक्ट फोर्स विल डिक्रीज कैसे इस बात को समझ, क्या कोई समझा सकता इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं समझने का कोशिश करो. देखो जैसे इस वाले पॉइंट पर जब अल्फा का वैल्यू जीरो है तब तो नॉर्मल mg के बराबर दिख रहा है और फ्रिक्शन नहीं है तो नेट कॉन्टेक्ट फोर्स तो नॉर्मल होगा, बोलो ना. और नॉर्मल कितने के बराबर है mg, नॉर्मल का मैग्नीट्यूड mg के बराबर है और डायरेक्शन किधर है ऊपर. तो हम पूछें कि ये कॉन्टेक्ट फोर्स जो लगा रहा है वो किधर लगा रहे हो आप ऊपर, मैग्नीट्यूड कितना है mg के बराबर है कहोगे. जब इस पोजीशन पर ये ब्लॉक पहुंचेगा तो इस पर फोर्सेस देखिए, ये जो सरफेस है ये दो फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है नॉर्मल और दूसरा फोर्स लगा रहा है फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन हम नहीं लगा रहे, ये सरफेस ही लगा रहे हैं. तुमसे पूछे ये नॉर्मल n1 कितना होगा, तो कहो mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा और फ्रिक्शन कितना होगा mg sin थीटा. ये नेट फोर्स कितना होगा, तो कहो देखिए सर इस दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे क्योंकि नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों परपेंडिकुलर है. तो FC कितने के बराबर, F स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर का अंडर mg स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस mg स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट mg. ये समझ आया? एक तरीका तो ये है. दूसरा, हम जैसे होशियार लोग ऐसे नहीं सोचते, हम लोग ऐसे सोचते ये बताओ कि इस वाले इस वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है, तीन. कितना लग रहा है, तीन में से दो कॉन्टेक्ट फोर्स है और एक एमजी है और हम कह रहे हैं कि ये रुका हुआ है, स्टेशनरी है. ये नॉर्मल और ये फ्रिक्शन इस दोनों को अगर सम कर दें तो वो एक फोर्स हो जाता है कॉन्टेक्ट फोर्स. तो कॉन्टेक्ट फोर्स किधर लगना चाहिए और कितना लगना चाहिए जिससे बॉडी मूव नहीं करे. भाई अगर इस दोनों का सम कर देंगे तो इस दोनों के जगह एक ही फोर्स हो गया ना. इस दोनों का रिजल्टेंट इधर होना चाहिए FC और इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होना चाहिए तभी तो ये मूव नहीं करेगा कोई बॉडी. अगर हम ये कह रहे हैं कि ये एक ब्लॉक है जिस पर फोर्स mg नीचे लग रहा है और एक और फोर्स लग रहा है जिससे कि ये रुका हुआ है तो वो फोर्स किधर लगेगा. कोई ऐसे कह देगा तो गलत बात है. क्या इस दोनों फोर्स का सम जीरो कभी हो सकता है? दो फोर्स का जीरो कब, सम जीरो कब होगा? मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो. तो भाई mg लग रहा है नीचे, वो तो ठीक है mg लग रहा है, बाकी ये जो सरफेस है टेबल का ये इस पर ये दोनों फोर्स लगा रहा है जिसका रिजल्टेंट सपोज FC है तो FC किधर लगना चाहिए? कहो सर ऊपर लगना चाहिए. इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए mg के बराबर, तभी तो मूव नहीं कर. तो हम जैसे होशियार लोग ऐसे सोचते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक तो mg लगेगा ऊपर की तरफ क्योंकि बॉडी तो स्लिप कर नहीं रहा. लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सपोज करो एंगल हम बढ़ा देते हैं, यहां तक लिखो पहले, यहां तक लिख लो तब आगे. अब देखो इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन सपोज करिए कि इतना हो गया, ये वाला एंगल बीटा है. ये जो हम लोग केस लिखे हैं कि FC mg के बराबर होगा, ये केस कब पॉसिबल है? जब अल्फा लेस देन थीटा है और थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज. लेकिन अगर एंगल थीटा से ज्यादा हो जाए, ये वाला ब्लॉक यहां चला आएगा, क्या अब ये ब्लॉक रुका रहेगा? ये ब्लॉक डाउन द प्लेन एक्सेलरेट करेगा.
डाउन द प्लेन देखो इसका एक्सेलरेशन निकालना है, पहले एफपीडी बना लेते हैं। नॉर्मल ऐसे लगा एन थ्री, वेट एम जी नीचे होगा और फ्रिक्शन अप द प्लेन मैक्सिमम होगा, फ्रिक्शन अप द प्लेन मैक्सिमम होगा और इसका स्लिपिंग डाउन द प्लेन होगा, मतलब ये डाउन द प्लेन अब एक्सेलरेट करेगा। अगर एक्सेलरेशन इसका निकालना हो तो निकाल सकते हो, इसका एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन होगा जी साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा। ये चार लोगों को याद हो जाता है, पहली बार निकाल देते हैं। इस mg का कंपोनेंट डाउन द प्लेन कितना है, तो डाउन द प्लेन सारे फोर्सेस को रिजोल्व करोगे ना, mg का इधर कंपोनेंट हो गया mg साइन थीटा माइनस एफ मैक्स, एफ मैक्स है म्यू एम जी कॉस थीटा, नेट फोर्स डाउन द प्लेन इतना ही है क्योंकि एम थ्री का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया, मास कैंसिल हो गया, जी को बाहर ले लिए तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, इसका एक्सेलरेशन इतना हो गया। अब अगर तुमसे पूछे कि एम थ्री कितना होगा, देखो दूसरा केस लिख रहे हैं बीटा एज ग्रेटर देन थीटा, इस केस के लिए लिख रहे हैं। तो इस पर कौन कौन सा फोर्स, ये बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में तो है नहीं, तुम कहोगे कि सर mg नीचे लग रहा है तो इस दोनों का सम ऊपर होगा, हम बोले का है ये रुका हुआ थोड़े है, ये तो चल रहा है तो अभी फोर्स बैलेंस थोड़े रहेगा। अभी आपको n3 निकालना है और f max निकालना है और फिर कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है। n3 कितना होगा, और देखिए इधर की तरफ तो फोर्स बैलेंस है तो एन थ्री होगा mg का इधर कॉम्पोनेंट mg cos theta, और ये f max कितना होगा mu into n3, मतलब mu into mg cos theta। अब इस दोनों का वेक्टर सम, इस दोनों का वेक्टर सम, तो इस दोनों का जो वेक्टर सम होगा इसको हम यहां दिखाते हैं वेक्टर के तरह से, इधर दिखा सकते हैं, तो इसका वेक्टर सम इस दोनों का यहां दिखा रहे हैं। एन थ्री लग रहा है ऐसे और एफ मैक्स लग रहा है ऐसे, इस दोनों का वेक्टर सम सपोज करते हैं कि है ऐसे, ये एफ सी है, इस एफ सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कहो एन थ्री स्क्वायर प्लस एफ मैक्स स्क्वायर का अंडर रूट, एन थ्री स्क्वायर प्लस एफ मैक्स कितना है म्यू एन थ्री, तो म्यू स्क्वायर एन थ्री स्क्वायर का अंडर रूट, एफ सी का वैल्यू हो गया एन थ्री वन प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट, और एन थ्री कितने के बराबर है एम जी कॉस थीटा, तो वन प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट इंटू एम जी कॉस थीटा। बोलिए ठीक है, अरे यहीं से देखो ना भाई, इसका इसका स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे ना, तो mg तो दोनों में सेम है, cos थीटा भी सेम है, mg cos थीटा दोनों में सेम है कि नहीं है, तो इसका स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे तो mg cos थीटा बाहर हो गया, बचा कितना 1 स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो ना, इसका जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन भी mg के अपोजिट होगा, ऐसा नहीं है, इसका और इसका रिजल्टेंट इधर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो इसका रिजल्टेंट जिधर भी हो, हम ऐसे लेट किए हैं, इस वाले एंगल को कॉन्टेक्ट एंगल कहेंगे, निकाल सकते हो। ये कॉन्टेक्ट फोर्स का वैल्यू जो आया ये थीटा बढ़ने के साथ घटेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे एन थ्री भी घटेगा और एफ मैक्स भी घटेगा, क्योंकि एफ मैक्स जो है वो तो एन थ्री पर ही डिपेंड कर रहा है, एन थ्री घट रहा है तो एफ मैक्स भी क्या होगा घटेगा। दिमाग में कुछ घुस रहा है भाई, यहीं से देखो एफ सी का वैल्यू, म्यू तो कॉन्स्टेंट है mg कांस्टेंट है, थीटा बढ़ने से cos थीटा बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता नहीं है घटता है, थीटा बढ़ने से cos थीटा घटता है, 0 से 90 में cos 0 का वैल्यू 1 होता है और cos 30 का वैल्यू रूट 3 बाई 2 होता है, घट जाता है ना, और 60 और घट जाता है और 90 जीरो हो जाता है। अगर ये वाला सरफेस बिल्कुल वर्टिकल हो जाए ऐसे और एक ब्लॉक को छोड़े, जैसे ये सरफेस वर्टिकल है एक ब्लॉक को यहां ऐसे टच करके छोड़े तो ये कोई फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, उसको जस्ट कॉन्टेक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, तो अगर थीटा का वैल्यू 90 हो जाए तो कॉन्टेक्ट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो,
थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा तो घटेगा, और एंगल ऑफ रिपोज से जीरो तक कांस्टेंट रहेगा। लिखिए कॉन्टेक्ट फोर्स यहां से यहां तक कांस्टेंट है, लेकिन नॉर्मल कांस्टेंट है कोई पूछे तो कौन नहीं, नॉर्मल घट रहा है, नॉर्मल घट रहा है, नॉर्मल लगातार यहां से 90 तक घटेगा, नॉर्मल लगातार घटेगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा लिखोगे तो यहां लिखे हो नॉर्मल mg cos थीटा, यहां भी लिखे हो नॉर्मल तो mg cos थीटा, तो नॉर्मल तो लगातार घट रहा है, लेकिन एंगल ऑफ रिपोज तक फ्रिक्शन जो है ये म्यू इनटू नॉर्मल नहीं है, एंगल ऑफ रिपोज तक फ्रिक्शन जो है वो mg का इधर कंपोनेंट है, क्योंकि बैलेंस कर रहा है, क्योंकि रुका हुआ है, घुस रहा है कुछ दिमाग में, लिखो एज एंगल इंक्रीजेस एज एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू एंगल ऑफ रिपोज फ्रॉम जीरो टू एंगल ऑफ रिपोज नॉर्मल डिक्रीजेस। फ्रिक्शन इंक्रीजेस, फ्रिक्शन इंक्रीजेस, कॉन्टेक्ट फोर्स विल रिमेन सेम। अगला पॉइंट, आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज After angle of repose, normal decreases. Normal decreases. Friction decreases. Friction क्यों decreases? क्योंकि mu into n उसकी, क्योंकि slipping शुरू हो गया, तब तो friction mu into n होगा। Normal घटेगा तो friction भी घटेगा। Contact force will decrease. कॉन्टेक्ट फोर्स विल डिक्रीज। अगर हम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, कोई व्हीकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पर फ्रिक्शन जीरो होगा। अगर कोई व्हीकल हो या हम हो, कोई ट्रक हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो जो चल रहा है, चलने वाला वस्तु है, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, सारे सुनना है, अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, और अगर डिसेलरेट कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। अगर ये सरफेस फ्रिक्शन लेस हो तो हम इस पर नहीं चल सकते, कोई मोटरसाइकिल इस पर नहीं चल सकता है, कोई गाड़ी इस पर नहीं चल सकती। तो अगर फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है और एक्सेलरेट कर रहा है, कोई गाड़ी अगर इस पर चल रहा है तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, वो तो बैलेंस हो गया। कोई धागा कनेक्टेड है गाड़ी से और कोई स्प्रिंग कनेक्टेड है, पांच ही फोर्स में होता है, तो तीन चार फोर्स, दो फोर्स बैलेंस हो गया, दो लग नहीं रहा, फ्रिक्शन ही तो केवल लग रहा है फॉरवर्ड, तभी तो वो एक्सेलरेट करेगा, फ्रिक्शन में वो पीछे लगा दो, वो तो आगे चलेगा कैसे, कैसे चलेगा? तुम कहो कि सर तो आप ही तो कहें कि रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है, तो स्लिप आगे कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। बोले नहीं, स्लिप आगे थोड़ी कर रहा है, जब हम चलते हैं तो हमारा पैर जो है, इस पैर का स्लिपिंग टेंडेंसी पीछे होता है, ये सरफेस को पीछे की तरफ स्लिप करना चाहिए। अगर सपोज करो स्लिप करे, हम ये सपोज आगे काई वाला जमीन है और हम इस पर चले, तो हम इस पर जब चलेंगे तो स्लिप कर जाएंगे, कैसे स्लिप करेंगे, हमारा पैर पीछे स्लिप हो जाए, मतलब हम पर जो हमारा जो पैर है उसका स्लिपिंग टेंडेंसी पीछे है, तो सरफेस इस पर फ्रिक्शन आगे लगा, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव स्लिपिंग को कॉन्टेक्ट पॉइंट पर जो है उसको अपोज करता है। जैसे कोई व्हीकल है, मोटरसाइकिल या कार है, चार चक्का है, इसमें दो दिख नहीं रहा, और इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशियंट 0.5 है,
कार का मांस कुछ होगा 200 के पर 1000 केजी मान लो, और इस कार को स्टार्ट किए एक्सीलेटर मारे, एक्सीलेटर मारेंगे तो चक्का घूमने लगेगा, घूमेगा तो ये आगे चलेगा, ये एक्सेलरेट होने लगा और ये यहां तक पहुंचा, यहां तक 100 मीटर, 100 मीटर तक पहुंचा। उसके बाद ब्रेक लगा दिए, रोकेंगे ना कभी, चलती रहेंगे जंगी में, इसमें ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक लगा दिए तो कुछ दूर के बाद रोक गया। बताना है कि 100 मीटर तक जब चला तो उस समय वेलोसिटी कितना था, और उसके बाद ब्रेक लगाए तो कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगा, मिनिमम कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगा। देखो एक कार, एक कार स्टार्ट ऑन ए रोड, एक कार स्टार्ट ऑन ए रोड Having friction coefficient 0.5, friction coefficient 0.5. Find minimum time, minimum time to travel 100 meters. टू ट्रेवल 100 मीटर, पहले 100 मीटर तक उसको ट्रेवल करने दो। ये कार जो है ये 100 मीटर तक ट्रेवल किया, मिनिमम कितना टाइम लगेगा यहां तक आने। अच्छा, इस कार को अगर यहां से यहां आने में मिनिमम टाइम लगना है तो जो इसका ड्राइवर है वो कैसे धीरे धीरे चला करके ले जाएगा तब, कि बहुत तेजी से चला के ले जाएगा तब? बहुत तेजी से चलाने के लिए क्या करना होगा, एक्सेलरेटर को जोर से दबाना होगा, एक्सेलरेटर होता है तो एक्सेलरेटर को जोर से दबाए, मतलब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन जितना से चल पाए, हम लोग कोशिश ये करेंगे इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो तो यहां से यहां आने में टाइम क्या लगेगा, मिनिमम। इसका एफबीडी बनाइए कार का, कार का एफबीडी, इसका चारों चक्का मिला करके नॉर्मल ऊपर लगेगा, चारों मिला करके N1, N2, N3, N4 सब मिला करके एन ले लिया, और इसका वेट mg नीचे लगेगा। टेंशन किधर लगेगा, पक्का केक्स? अब बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि ये आगे एक्सेलरेट हो रहा है, तुमसे कहा था भाई अगर इस पर फ्रिक्शन पीछे लग जाए तो आगे कैसे जाएगा, बोला जाएगा आगे, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा, आगे, फ्रिक्शन आगे लगेगा। अब इसका एक्सेलरेशन लिखो आगे की तरफ, एक्सेलरेशन सपोज ए है, इक्वेशन लिखो इसका इधर की तरफ, बोलो F=ma। अब तुमको ए मैक्सिमम निकालना है और लिखना बंद कर, केवल FBD तक तुमको साथ साथ लिखना है, उसके बाद लास्ट में कंप्लीट हो जाता है। हमको यहां से यहां आने का मिनिमम टाइम चाहिए ना, तो एक्सेलरेशन क्या चाहिए, मैक्सिमम। ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, बोलो ना। तो क्या कह सकते हैं ऐसे, एफ मैक्स इज इक्वल टू एम ए मैक्स, और एफ मैक्स कितना होता है, न्यू इंटू एम जी, न्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल का वैल्यू एम जी है, एम से एम कैंसिल हो गया तो ए मैक्स कितना हो गया, न्यू इंटू जी। इस कार का या किसी कार का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर म्यू जी से ज्यादा नहीं हो सकता है, किसी कार का, आदमी का, कोई भी जो सरफेस पर चल रहा है उसका एक्सेलरेशन म्यू जी से ज्यादा नहीं हो सकता, और ये एक्सेलरेशन इसके मास पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मास दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ये ट्रक रहेगा तब भी इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना ही होगा, अगर कोई धावक है दौड़ने वाला, दौड़ने वाला पहले रुका रहता है और सबसे कम टाइम में 100 मीटर का दौड़ क्रॉस करना चाहता है। अभी कौन है 100 मीटर का सबसे विश्व चैंपियन, है कौन, बोल्ट है ना जी, वो रिटायर हो गया, अच्छा ठीक है, तो
ये 100 मीटर का दौड़ जो है मिनिमम टाइम में कंप्लीट करने के लिए उसको ऐसा जूता पहना दो एकदम चिकना हो, पीछे में थोड़ी ऊपर गिर जाए, वो जूता रुकड़ा होता है जिससे फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा होता है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन उसका कितना हो सकता है, तो कहो म्यू जी कितना, जितना ज्यादा म्यू तुम बढ़ा दो, अगर म्यू 0.5 है तो म्यू इंटू जी कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। म्यू ही को हम बढ़ा सकते हैं, जी को तो चेंज कर नहीं सकते, तो जितना उसका जूता जो है बढ़िया रहे, क्वालिटी वाला रहे, ग्रिप उसमें रहे, तो स्लिपिंग नहीं होगा, म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अभी इस कार का एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना है, 5, तो कितना मिनिमम टाइम में यहाँ पहुंच जाएगा, तो कहो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ये डिस्टेंस कितना है एस, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना 5, ये टी जो है ये मिनिमम होगा, ये टी क्या होगा 100 इक्वल टू 5/2 टी स्क्वायर, 5 से कट गया तो 20, तो टी हो गया 40 अंडर। अगर इस वाले कार का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, बताइए। नेक्स्ट पार्ट देखो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर निकालने में पसीना चलने लगा, इक्वल टू यू प्लस 80 होता है ना, यू कितना है 0, ए कितना है 5 और टी कितना दिया है 5, तो 25 मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं, बोलो ना जी, तो 25 को अगर किलोमीटर पर आवर में करें तो 18/5 हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से करते हैं, उल्टा करना है तो 18/5, देखो कितना आएगा, 5 × 25 = 18/95 किलोमीटर पर आवर 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर, बढ़िया चीज है। फाइंड मिनिमम